सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ महला पहला साम कहै ते तंबर स्वामी सत में आछे सात रहे सबको सत समावै रिग कह रहया करपूर साम कहै सितंबर स्वामी सत में आछे सात रहे सबको सत समावै रिग कह रहया करपूर राम नाम देवा महसूर नाय लयन प्राथक जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुजमहन जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जातन पया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नौ खुदाई अलह पया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचिया पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मोख अंतर पाए चारे वेद होए सचिया पढ़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मोख अंतर पाए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। परम सत्कार योग जुग जुग अटल गुरगद्दी ते भाई मान सर्व सांझी वालता दे रेबर नाम के जहाज हल्त पल्त दे रखिक लोक परलोक दे सहायक हाजर नाजर तम 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 संत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन चरणा अंदर सुशोभित होई बैठे गुरु सवारे सतसंगी जनों गुडभागे हो अमृत नहीं बाणी दा रस तन्ना कीर्तन गुरु की कीर्तनीय भाई साहब भाई मेजर सिंह जी होर दे जत्थे पासों बड़े ही प्यार अदब सहित सरवण कर रहे सी। इस तो उपरंत रोजाना की तरह चल रही लड़ीवार आशा की वार की विचार नाल सांझ पाइए आप सब माई भाई मनां गुर चरणां विच एकाग्रित करो सुरतियां नूं गुर शब्द नाल जोड़ो बड़े ही प्यार अदब सहित रसनी आवाज विच उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी दे पावन मुखारवन तो उचारण आसा की वार दे अज दे इलाही बचन तेरवी पौड़ी दी विचार चल रही है जिदे विच गुरु रामदास साहिब जी दा छंद जो कि चल रही कीर्तन दी रवायत मुताबक गाया जांदा है उस छंद दी विचार अते एक पहले श्लोक दी विचार आप जी कल तक सरवण कर चुके हो
दूसरे श्लोक की पौड़ी की विचार अज आरंभ है। सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने पिछले दिन पहले श्लोक विच इस गल का जिक्र किया कि सनातन मत ने समय नूं चार हिस्सों विच वंडिया, पर समय को ऐसी मनुखी वृत्ति है जिहड़ी हर पल बदल जाती है। जिथे विकारी मनुख रब नाल टुट के कलह दे विच जिंदगी नूं जिउंदा है, एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता। उत्थे धर्मी मनुख सत नाल जुड़ के सतयुग की जिंदगी नूं जिउंदा है। सतयुग परमहंस विचारी। इसे तरह ही इन्हां चार युगां दे विच फिर चार वेद भी आए, चार युगां दे चार अवतार भी आए, जिदे बारे गुरु नानक साहब जी ने अज अगले श्लोक विच जिक्र किया है। जदों भी असीं बाणी पढ़ते हाँ ते कई बारी उपर जेड़े ने होर मतां दा जिक्र वर्णन हुंदा है, अखीर ते गुरु नानक साहब जी दा जां गुरु साहब दा अपना सिद्धांत हुंदा है। खासकर गुरु नानक साहब की बाणी विच इस गल की बहुत आत है। उपर होरां दे मत, अखीर ते फिर गुरमत दा सिद्धांत है। पिछे भी आपां इक श्लोक एक पौड़ी पढ़ के गए हाँ, मुसलमाना सिफत शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार। उहदे विच मुस्लिम मत दा, हिंदू मत दा, योग मत दा आदि सारयां दा जिक्र किया। अखीर ते गुरु नानक साहब ने अपना सिद्धांत दिता कि गुरमत दा सिद्धांत की है। गुरमत दा सिद्धांत यह है, नानक भगतां भुख सलाहण सच नाम आधार। सानू नाम की भुख, नाम ही साडा आसरा है। जां असीं शब्द पढ़दे हां, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवै गुसैया, कोई अल्लाह के कारण कर्म करीम कृपा धार रहीम, असीं सारा शब्द पढ़दे हां। कोई नावै तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई ओढ़े नील, कोई सफेद, कोई कहे तुर्क, कोई कहे हिंदू, कोई बच है पिश्त, कोई सुरबिंदु, कोई नीले वस्त्र पहनता है, कोई पीले पाई जाता है, कोई स्वर्ग की इच्छा रखता है, कोई बहिष्ट पिछे दौड़िया। हर एक दे आपो अपने विचार ने पूछा सतगुरु सारे प्रमाण। अखीर ते सतगुरु ने अपना सिद्धांत दिता। कहने लगे जिहड़ा रब्बी हुक्म च जिंदगी जिउंदा है ना, प्रमाण सिर्फ वह है, कहू नानक जिन हुक्म पछाता, प्रभ साहिब का तीन भेद जाता। जिन्हें रब्बी हुक्म नूं समझिया, रब का भेद सिर्फ उन्हें जाने है, क्योंकि हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोई। नानक हुक्म है जे बुझे तां हुंदा कहे ना कोई। गल ते खीर ते सिद्धांत गुरु नानक साहब दा सी। जपजी साहब दे विच वचन पढ़दे हां, अक्सर असीं कह दिंदे हां गुरु नानक साहब ने कहा कि लखीं आकाश ने लखीं पाताल ने। यह गुरु नानक साहब का सिद्धांत नहीं है, लखां आकाशां पातालां दा। यह सिद्धांत है वेदां दा। कतेबां ने यह गल कही के 14,000 तबक ने, 18,000 आलम ने इत्यादि। वेद आखते ने भी लखां आकाश ने ते लखां पाताल ने। गुरु नानक साहब ने अपना मत अखीर से दिता जाके, पाताला पाताल लख आगाशा आगाश, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात। यह गल वेद कह रहे हैं कि लखई आकाश ने लखई पाताल ने, असीं भाल भाल थक गए हाँ, लखां आकाश लखां पाताल सानू नजर आए ने। यह गल वेद कह रहे हैं। गुरु नानक साहब अजे पिछे कह के गए ने कि असंख नाम असंख थाम, अगम अगम असंख लोक, असंख्य थावां ने, असंख्य लोक ने, असंख्य खंड ब्रह्मांड ने, अजे पिछे कह के गए ने असंख वाली पौड़ी च। अगे चल के गुरु नानक साहब नहीं कह रहे असंख तो लखां ते आ गए, नहीं, वेद आखते ने लखई आकाश लखई पाताल ने, पाताला पाताल लख आकाशा आकाश, ओड़क ओड़क भाल थके, वेद कहन एक बात। पूछे कतेबां की कहंदियां ने, कहन लगे सहस 18 कहन कतेबां। कतेबां आखदियां ने 18,000 आलम ने, असलू एक तात जिन्हां दा सारयां दा मुढ एक सच है,
ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਨੇ, 18,000 ਨੇ ਕਿ ਲੱਖ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਖੀਰ ਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਿਖੀਏ, ਲਿਖਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਸੇ ਗਿਣਤੀ ਅੰਕ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਏ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੀ ਜਾਣਦਾ ਕਾਇਨਾਤ ਬਾਰੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀ ਹੈ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਸਵਾਏ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ, ਉੱਚਾ ਨਾਓ, ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਕਿ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਸ ਆਪ ਹੀ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ, ਜੇਵਡ ਆਪ ਜਾਣੇ ਆਪ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀ ਕਰਨੀ ਦਾਤ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੰਖ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਮ, ਅਗਮ ਅਗਮ, ਅਸੰਖ ਲੋ, ਅਸੰਖ ਕਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਸੰਖ ਕਹਿਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮਤ ਦਿੱਤੇ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਰਿਜਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਸੁਭਾਵ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਰਤ ਕਰੇ, ਵੀ ਉਹ ਪੂਛ ਨਾ ਮਸਰਤ ਧਰੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੇ, ਜਿਵ ਹੋਵੇ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ਼ ਸਹਿ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਨੰਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਏਸ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਆਇਆ। ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ। ਸਤਿਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸਾਮ ਵੇਦ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਰਿਗ ਵੇਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਦੁਆਪਰ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਯੁਜਰ ਵੇਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਥਰਵ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਚਾਰੇ ਸਚਿਆਰ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਬਚਨ, ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ, ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਖੇ ਸਾਚ ਰਹੇ। ਸਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਹੈ, ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਹੀ ਵੇਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੇ। ਜੇ ਸਤਿਯੁਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ, ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਵੀ ਸਾਮਵੇਦ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਮ ਹੈ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ, ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੇਦ ਦਾ ਅੱਖਰ ਵੀ ਰਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਵ ਕੁਲ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਯਾਦਵ ਹੈ, ਤੇ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਯਜੁਰਵੇਦ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ, ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਮ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਵੀ ਅਥਰਵ ਆ ਗਿਆ, ਐੜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ, ਐੜੇ ਤੇ ਅਥਰਵ।
जिहो जिहा समा दा कोई समय का स्वामी आया उस स्वामी के ना से वेद का पहला अक्षर रख दिता गया। उसके नाम के अक्षर तो वेद का नाम शुरू हुआ। सांक है सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे। क्योंकि सांक दे दसदे कि इस समय का स्वामी सितंबर ही है जिहड़ा सच में अच्छा है। सच विच टिकिया होया सितंबर ते सच विच ही रहिंदा लीन रहिंदा। सांक है सितंबर स्वामी सच में अच्छा है साच रहे सब को सच समावे। क्योंकि सारे जीव उहदे नाल जुड़ सच समा जांदे ने। इह साम वेद का मत है। यह गल साम वेद कह रहे हैं। साम वेद आखदा सितंबर सच विच टिकिया होया है जिहड़ा सच नाल जुड़दा है वह सच रूप हो जांदा है। ऋग्वेद ने अपना मत दिता। ऋग कहे रहिया भरपूर राम नाम देवा मंसूर। ऋग्वेद त्रिते का ग्रंथ है ते त्रिते दे अवतार ने श्री रामचंद्र। ऋग्वेद आखदे श्री रामचंद्र रवे हुए ने भरपूर ने कण कण विच व्याप रहे ने। ऋग आखदे सारिया देवत्या दे विचों वड्डे देवते सूरज जिहड़े ने श्री रामचंद्र ने। ऋग कहे रहिया भरपूर राम नाम देवा में सूर देवत्या विचों सब तो वड्डे सूरज ने ते सब थां ते रवे हुए ने। जो इन्नी गल कही ऋग्वेद की भी गल आई उस तो अगे जुजर की भी आई। सतगुरु ने जवाब दिता गुरमत सिद्धांत के रूप में ना ही लै प्राशत जाए। कहिंदे भी जिहड़े प्राशत ने ना पाप दुख आदिक रब के नाम लिया दूर होंगे ने। जिहड़ा खुद दुख सुख के विच फसिया होवे जिहड़ा खुद दुख सुख नूं महसूस करता होवे उह दूजे के दुख सुख नूं की कर सकता है। जिहड़ा दुख सुख तो उच्चा उठ जांदा है निर्लेप हो जांदा है सिर्फ उही दूजे के दुख नूं कट सकदा है। जिहड़ा आप दुख विच दुखी हो जाए वह दूसरे के दुख नूं की कटेगा। इस करके परमेश्वर का नाम पाप कटदा है। जिहड़ा अवतार खुद दुख के विच लिपत हो जांदा है जिहनूं सतगुरु की बाणी विच कह दिता रोवे राम निकलना पया सीता लखमण विछड़ गया। जां असीं गुरबाणी विच पढ़दे हां मन में झूरे रामचंद सीता लखमण जोग हर मंत्र आराध्या आया कर संजोग। जिहड़ा आप स्थिर नहीं है राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। कहिण लगे इक ते उह भरपूर नहीं हो सकता हर समय विच जिहड़ा आप दुख विच रोण लग पए उह दूजे दे दुख नूं नहीं कट सकदा। हां जिहड़ा आप दुख तो उच्चा हो जाए निर्लेप हो जाए सुख दुख नूं हस के सहार के अनंत जिंदगी नूं जिउवे असल दे विच उही किसे दे दुख कट सकदा है। जिहड़ा आप दुख दे विच रोण लग पए उह दूजे दे प्राप्त नहीं कर सकदा। सतगुरु ने अगला वचन कहा ना लिया प्राप्त जाए परमेश्वर दे नाम लिया पाप कटे जाते ने। नानक तो मुख अंतर पाए हे नानक कह ता मुख अंतर मिले ता अंदर दी मुक्ति प्राप्त होवे। ता मनुख अंदर दी मुक्ति प्राप्त करे कि अंदरों सुख दुख तो उच्चा उठ जाए अंदरों मान अपमान तो उच्चा उठ जाए अंदरों अमीरी गरीबी खुशी गमी तो उच्चा उठ जाए वह ज्योंदे जी मुक्ति धारण कर लैंदा है ज्योंदे जी मुक्त हो जाता है। यही है जीवन मुक्ति की निशानी। प्रभु की आज्ञा आत्म हितावे जीवन मुक्त सो कहावे तैसा हरख तैसा उत्सोग सदा आनंद त नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक ओ पुरख कही है जीवन मुक्त है। वह ज्योंदे जी मुक्त है जिहड़ा दुख च रोवे ना सुख दे विच बौरा ना होवे जिहड़ा अमीरी ते गरीबी नूं इक समान समझे जिहदे लई मान सन्मान इक समान हो जाण असल विच वह इन्हां सारिआं तों उच्चा मुक्त हो जांदा है। नानक तौ मुख अंतर पाए मोख अंतर अंदर दी मुक्ति भाव अंदर दी गरीबी अमीरी सुख दुख मान अपमान तों मुक्त हो जाणा। यही ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था है। जो नर दुख में दुख नहीं माने यह नहीं भी धर्मी बंदे की जिंदगी च दुख नहीं आता। दुख आता पर रोंदा नहीं है वह ताहा नहीं मारदा। दुख है दुख मनदा नहीं। जो नर दुख मैं दुख नहीं माने दुख मनदा नहीं। वह जिहदी जिंदगी च सुख आए सुख विच भी बौरा नहीं आता। वह सुख स्नेह और भय नहीं जाके दुख आवे दुखी नहीं हुंदा सुख आवे बौरा नहीं हुंदा।
सुख दुख दोना तूचे, दुख आ जाए रुंदा नहीं। और मनुखी जिंदगी दे विच दुख होना एक अलग गल है, पर दुखी हो जाना एक दूसरी गल है। एक जी गल नहीं है, सुख एक वक्री गल है, सुखी होना एक अलग गल है। जिंदगी विच कई बार सुख होंदा है पर मनुख सुखी नहीं होता। सुख के पदार्थ सारे ने, अज किस चीज की कमी मनुख दे कोल? अज तो 100 वरा 100 साल पिछे जाओ, मनुख दे कोल कोई सहूलत की चीज नहीं सी हुंदी, पर जिन्ना सुख उहदी जिंदगी विच सी शायद अज की जिंदगी विच भी ना होवे। अज सारियां सहूलतां ने साडे कोल। ताहीं भगत कबीर नूं कहना पिया, मना किसी के सोहने कपड़िया वाल देख के अंदाजा ना ला नहीं सुखी हो गई है। किसी ने सोने चांदी के गहने पाए होण, उन्हां सोने दे विच कीमती रतन हीरे जवाहरात जड़े होण, मत देख के अंदाजा ला ली इहदे कोल धन, इहदे कोल सोना हीरे बड़ा सुखी है। हो सकदा सड़े हुए काने वर्गा इहदा जीवन होवे, सड़िया काना बाहरों ऐन सोने वांगू चमकदा है, उहनूं तोड़ के देखो अंदरों सुआह निकलदी है। कबीर कंचन के कुंडल बने ऊपर लाल चढ़ाओ, दिस दादे कान ज्यो, दादे मैंने सड़े हुए, सड़े हुए काने वर्गे जीवन ने, बाहर सोने वांगू चमकते ने, अंदर सवाह नाल भरे हुए ने, दिस दादे कान ज्यो जिन मन नहीं ना हो। वह मना किसी की सोहनी गड्डी देख मत अंदाजा ला ली बड़ा सुखी है। हो सकता है किसी डॉक्टर को जाता हो, अपने रोग लिए बैठा हो जीवन के, हो सकता है किसी वकील को मिलने जाता हो, झगड़िया कलेशा च फसिया हो। ऐसे ऐसे भी परिवार ने जिन्हां दे घर जाओ लगता बहुत सुखी ने, आलीशान बंगलो है, हवेली है, धियां पुत्र वो व्याहे गए ने, जिम्मेवारियां तो फारिग ने, काम तो भी रिटायरमेंट मिल गई, घरे बैठे पेंशन आ रही है, घर में ही स्विमिंग पूल बनिया होया, बड़ा वड्डा लॉन है, पति पत्नी बैठे ने, बैठ के उन्होंने चार गल्लां करो, अजे चाह पींदिया 15 मिनट नहीं हुए होंगे अपना रोना धोना रोन लग जाते हैं। असि तो जी मारे गए, साडा कख नहीं रहा, लुटे गए, खत्म हो गए, असि तो एडे दुखी, हैरान रह जाइए। सुख है मनुख की जिंदगी विच, वह सुखी नहीं है। सुख एक अलग चीज है, सुखी होना एक अलग चीज है, दुख अलग चीज है, दुखी होना अलग चीज है। कई बार सुख होंगे पदार्थ होंगे ने, मनुख सुखी नहीं होंगे। पूछो सुखी क्यों नहीं, तेरे को सारा कुछ है। वो आखदा मेरे को है, मेरे को 4 मंजिला कोठी है, गवांढी को 8 मंजिल है, वह भी की करा। मेरे को 4 गड्डिया ने, मेरा जरा शरीक है ना वो 8 गड्डिया ने, दुखी हो जाता है, की करे बेचारा, अपने गवांढी को देख के दुखी हो जाता है। अज के जमाने के जे दुखी बंदे की परिभाषा लभनी हो, जिस बंदे के दोनों गवांढी सुखी ने, वह बंदा बहुत दुखी है। तो जे अज के जमाने सुखी बंदे की परिभाषा देखनी हो, जिस बंदे के दोनों गवांढी दुखी ने, वह बंदा बहुत सुखी है। साड़ी अज की परिभाषा है, क्यों? सुख है मनुख सुखी नहीं, दुख अलग चीज है, दुखी होना अलग चीज है। हुण मीर मन्नू की कैद विच सिख बीबियां ने अद्धी रोटी ते एक पानी का प्याला मिलता है सारा दिन, इदो वड्डा दुख किहड़ा हो सकता है? फिर वेलियां नहीं बैठियां, सवा सवा मन के भारे पीसले भी पीसदियां ने, सारा दिन भारी मुशक्कत भी करदियां ने, पीन लई अद्धा प्याला पानी, अद्धी रोटी, एक प्याला पानी, उहदे ते जिंदगी बसर करदियां ने, इदो वड्डा दुख किहड़ा हो सकता है? की कीता उहनां? शाम रहिरा साहिब पढ़ी, अरदास कीती, सतगुरु तेरी रजा च साडा 4 पैर दिन बड़े सुख का बतीत होया है, पहरेदार ने सुन लिया। वो आखदा भी एदा एदा उन्हें उपर खबर पहुंचाई कि मीर मनु लख दुख दे चलो, तो कहदिया ने 4 पैर दिन बड़े सुख च बतीत होए, तू नहीं उन्होंने दुखी कर सकता। कहने का अच्छा, मीर मनु आया, उन्हें कह दिता कि जिन्हें छोटे बच्चे ने ते जिन्हें बुजुर्ग ने, उन्होंने सारे उपर सवा सवा मन भारे पीसने रख दिते जा, वड़े वड़े पत्थर उन्हें बुजुर्गों के उन्हें बच्चों की छातियों से रखे, वो तड़प के दम तोड़ गए। मीर मनू जुल्म करके चला गया, हुण दुखी होणगियां। उस शाम फिर सिख बीबिया ने रहना साहब का पाठ किया,
फिर अरदास की सतगुरु तेरी रजा में साढ़ा चार पैर दिन बड़े सुखता बतीत हो। पहरेदार ने फिर सुनिया ने फिर खबर पहुंचाई तू नहीं दुखी कर सकता इन्हों दुख दे चल पर दुखी नहीं होंगे। ये मीर मनु फिर 200 सैनिक लैके गले चाया आंदिया सारों ने कह दिता बच्चों को खोह के तसीह दे के खत्म कर दो। छोटे बच्चों को गोदा च खोया गया आसमान च उछालिया थले नेजे लगाए गए आसमान तो डिगदे बच्चे नेजिया च परोए जाते रहे नेजिया च बार कर तलवारां नाल टुकड़े करके हार बनाए जाते रहे। ते नौजवान सिख दीदियां नूं पुछना कि तुसीं कलगीधर पातशाह दीआं धीआं हो उन्हें कहना हाँ असीं गुरु गोबिंद सिंह दीआं बच्चियां वां। जालमा ने कहना फिर सिर अगे करो तुहाडा सन्मान करिए। सिख दीदे ने सिर अगे करना अज वांग सुरपे नहीं सी गल पैंदे हुंदे उन्हां दी बच्चियां दा टुकड़िआं वाला हार उन्हां दी गला च पा देना लो कलगीधर पातशाह दीआं धीआं बणन दा सुख लो सन्मान गुरु गोबिंद सिंह दीआं बच्चियां बणन दा। जालमा ने कहना तुहाडे बच्चे चाहीदे ने सिख बीबे ने कहना हां वापस कर दिओ साढ़े मतूम बच्चे सानू दे दिओ। जालमा ने कहना झोली करो सिख बीबे ने झोली करनी उन्होंने टुकड़िया नाल भरे हुए टोकरे सिख बीबिया की झोली च उल्ट देने लो संभो अपने बच्चे। सवेरे बच्चे गोद च बैठ के बाणी सुनते हैं शाम को टुकड़िया के रूप च पे ने झोलियां खून ना लख पत ने। उस शाम फिर बीबिया ने रल के सौदा रहरा साहब का पाठ किया रल के अरदास की कलगीधर पातशाह तेरी रजा दे विच साडा चार पैर दिन बड़े सुख का बतीत होया है कृपा करी तन दे साडे बशक टुकड़े हो जाण पर सिखी सिदक तुक दी डोली ना। दुख है तो दुखी नहीं है जे भुख दे तां इत्थे ही राजा दुख विच सुख मनाई है दुख दे विच ने ए नहीं दुख तो बाहर हो गई सुख मन रही ने दुखी नहीं है पर जो नर दुख मैं दुख नहीं माने है सुख सने और पहनी जाके सुख भी नहीं सतांदा। अज पुत्र का ब्याह होवे ना ऐसे ऐसे सिख परिवार देखे ने जेडे बरात लैके चढ़ते ने मन जिम्मे गुआढ़ी देश में जितना हो जिन्हें कभी हाथ सोटी फड़ के कुत्ते नहीं भजाया हों उन्हें लंबी सारी कृपान उस दिन फड़ा देते हैं ते नशे में धुत हो भंगड़े पाते तुरे जाएंगे चार घंटे पांच घंटे रस्ते च ही लग जाते हैं भावे नाल गुआढ़ च ही होगा। आंदियां सर भाई को कहेंगे तू शब्द पाड़ा हम कर साजन आए इन्हू पुछो नशे में धुत हो के भंगड़े पाते आए भूतने आए कि साजन आए साजन इस तरह के थोड़े होते हैं साजन इन्हों थोड़े आखते हैं तो ग्रंथी को कहेंगे भी देखो 15 मिनट तो बाद ना लाए जी क्यों क्योंकि बाहर जाके फिर भंगड़ा पाना है। सुख दे विच भी मनुख अड़ोल ना रह सकिया जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना है सुख सने अर पै नहीं जाके कंचन माटी मानना है। कंचन माटी मानने का अर्थ यह नहीं कि सिख सोने नू मिट्टी समझदा ते चिमटे ना फड़ फड़ के बाहर सुटे भी हाथ ना गंदे हो जाए मिट्टी नाल। कंचन माटी मानने का अर्थ दूजे दे सोने नू मिट्टी जानदा इह मेरा नहीं है दूजे का हक है गरीब का हक नहीं मारदा गरीब के पैसे वाल बुरी नजर ना नहीं देखता दूजे के धन अपने लिए मिट्टी समान जानता ही मेरा नहीं है मेरे नजर च मेरे वास्ते की वैल्यू नहीं ए वास्ते की वैल्यू है। हाँ यदा धन है यदा हक है मैं यदा हक कल खोना है कंचन माटी मानने का अर्थ यह है दूजे के धन दूजे के हक में समझदा अपना नहीं समझदा नह निंदिया नह उस्तत जाके लोभ मोह अभिमाना हर सोग ते रह न्यारो ना ही मान अपमाना आसा मरसा सगो त्यागे जग ते रह निराशा काम क्रोध जिह परसे नाहिन तैं कट ब्रह्म निवासा उहदे अंदर ते रब दा वास है। कह लगे जिहड़ा खुद रो पैंदा है उन्हें तेरे दुख नूं की कट देना जिहड़ा आप दुख च ग्रस्त हो जांदा है आप तैनूं दसा उस नाम नाल जुड़ी जिहड़ा सचमुच तेरे पापा नूं कट देवे नए लै प्रचित जाए परमेश्वर का नाम लिया सारे पाप कटे जांदे ने नानक तौ मुख अंतर पाए हे नानक कह तां अंदर विकारां वल्लों मुक्ति मिल जांदी है। आप तैनूं मुख अंतर तक पुछावां खुशी ते गमी नूं एक समान समझ लई ताहा मार के ना रोमी जी जिंदगी च दुख आ गया एक हों छड़ दई अज मुक्त हो जाएगा हरख
सोग जाके नहीं, जिदी जिंदगी विच सोग ते हरख एक समान हो गए, दुश्मन मित्र एक समान हो गए, हरख सोग जाके नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुंदरी मना मुक्त ताही ते जा, कहो नानक वो मुक्त ना, कहने की मुक्त हो गया, जिहड़ा हरख सोग दुश्मन मित्र ते अवस्था तो उच्चा उठ जाते हैं। कहने की आप तेन दसा नाम ही तेन दिकारा वालों मुक्ति दवा सकता है। अगली गल कही सतगुरु पातशाह ने, जुज महजोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादव पाया, द्वापर युग आया, द्वापर युग में जादव जिहड़ा अवतार है कृष्ण जी, ते जादव के नाम से जुजल, जे यादव के नाम से है तो भी यूजल, पर गुरबाणी में यही बहुत थाई जजे के रूप में लिया गया, इस करके जादव कह दिता तो जुजर कह दिता, जुज मैंने जुजर ग्रंथ, उहदे नाम से ही ग्रंथ के अखर का पहला नाम आ गया, जादव स्वामी है द्वापर का, उहदे नाम से जजुर ग्रंथ आ गया, जुज मैं जोर छली चंद्रावल, कह लगे चाहिए तो सी द्वापर रथ तप सत तपे का, द्वापर रथ तपे का सत अग्गे रथवाओ, चाहिए सी सत रथवाई हो सच हो, पर इत्थे जोर जुर्म चल पिया, इतने जोर एहोजा चल पिया, किसी गरीब की धी बेपत किया गया, छलिया गया, ठगिया गया, चंद्रावल में जाके श्री कृष्ण जी छल दे रहे, छलना मैंने धोखा देना, जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पा जात गोपी ले आया, की होया नाथ मुनि आया इंद्र के बाग विचों, पा जात दरख दैक फुल तोड़ के उन्हें कृष्ण को भेट किया, कृष्ण ने वह जड़ा फुल जड़ा अपनी पत्नी को दे दिता, नाथ मुनि जाके दस दिता सत्या भामा के देख तेरी सौंपण के कुल इना वधिया फुल है पारजात का, हालांकि दे आप गया, वो इस गल तो झगड़ा खड़ा हो गया है, मेरे को फुल क्यों नहीं, श्री कृष्ण जी गए इंद्र नाल जंग की, पूरा पारजात दरख्त ही पट के लिया के सत्या भामा के बेड़े ला दिता, फिर इत ही खैर नहीं बिंदरा बन में रंग किया, कहते कि जुज मैं जोर छली चंद्रावल जिथे ते द्वापर रथ तपे का सत अगे रथवाओ, चाहिए सी तपस्या विकारा वालों शरीर को रोकना, सत्ती मार्ग से चलना, उसे जोर प्रधान हो गया, उसे जोर के नाल किसी दूजे का हक लियाना शुरू हो गया, जिद मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया, पार जात गोपी ले आया, सत्या भामा गोपी की खातर पार तक दरख्त ही पट लिया, बिंदरा बन मैं रंग किया, कल मैं बेद अथर्पण हुआ, इस तो अगला आया कलयुग, ये की होया नाव खुदाई अलव पिया, कह लगे जिथे राम प्रधान से उसे खुदा प्रधान हो गया, अल्लाह आ गया, क्योंकि तुरक तुरक पठानी अमल किया, तुरका पठाना ने अमल मैंने अपना हुक्म चला दिता, अपना राज चला दिता, हुण हिंदुस्तान दे विच कोई राम नहीं कहण नूं तैयार, हुण खुदा कहाया जांदा है, हुण ते इहो जी अवस्था आ गई कि घर घर मियां सभना जियां बोली अवर तुम्हारी, हुण ते इहो जी अवस्था आ गई खत्रियां तां धर्म छोड़िया मलेच्छ भाखिया गई, हुण ते इहो जी अवस्था आ गई कि जिथे हर हिंदू भी डरदा जबान तो खुदा कहना शुरू कर दिता, जिन्हों अगों आप चल के पढ़ने गौ ब्राह्मण कहो कर लावो गोबर तरन ना जाई, धोती टिक्का तह चमाली धान मलेच्छा खाई, अंतर पूजा पढ़े कतेबा बारहों कतेब पढ़ते ने, संजम तुरकां पाई नियम उन्होंने तुरकां वाले अपना ले, यही कारण अथर्व वेद ऐसा है जिन्हों अज का सियाणा ब्राह्मण भी नहीं पढ़ना चाहता, उन्होंने पता है तुरखा पठाना का अमल है, इस करके रंग भी काला निश्चित कर दिया गया, क्योंकि चार वेद ने चारा पढ़ने वास्ते चार वखो वखरे रंग के वस्त्र पहनने पैंदे ने, बग्गा रस्ता पीला काला बेदा करी विचार, साम जिहड़ा है सितंबर है स्वामी सितंबर छेत आखदे ने छुट्टे नूं छुट्टे वस्त्र पहन के साम वेद पढ़ना पैंदा है, रिक का रंग पीला है, जुजर का रंग लाल है, ते अथर्व क्योंकि जंतरा मंत्रा तंत्रा तुरका पठाना दी गल्लां ने, इस करके काले वस्त्र पहन के जिहो जी अंदर भाषा उहो जिहा रंग, जिहड़ा असीं कहिंदे ना वी ब्राह्मणी मत बड़ा प्रधान हो गया विपरन की रीत, असल च अथर्व वेद दे विच जंतर मंत्र तंत्र टूणे टामण आदिक इह सारे अथर्व ग्रंथ दे ने,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਟੂਣਿਆਂ ਟਾਮਣਾ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਨਗ ਥੇਵੇ ਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਪਰਤ ਕੀ ਰੀਤ ਆ ਗਈ ਇਹ ਅਥਰਵੇਦ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਦ ਵੀ ਐੜੇ ਤੇ ਅਥਰਵ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੂਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆ ਹੁਣ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਹੁਣ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਧਾਰਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਤ ਦਾ ਚਿੰਨ ਤੁਰਕਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਚੌਵਾਂ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦ ਸੱਚੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਉਦਣ ਧਰਮੀ ਬਣੇਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਓ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਚ ਸਦਾਏ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਰੱਬ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹਜ਼ਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਚੱਲ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਬਹਿਸ਼ਤ ਸਵਰਗ ਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਜਾਂ ਲੱਭ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਲੱਭ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਨੇ ਜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਤਮਿਕ ਬੋਲੀ ਦੱਸਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਰਬੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਫਰੈਂਚ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚ ਬੋਲਣੀ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਫਰੀਦਾ ਗਲੀਏ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭੁਜੈ ਕੰਬਲੀ ਰਹਾਂ ਤੁੱਤਾਂ ਨੇ ਜੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਪਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨੀ ਤੋਰੈ ਤੁਮ ਸਿਉ ਤੋਰ ਕਮਲ ਸਿਉ ਜੋਰੈ ਜੋ ਤੁਮ ਜੀਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰੀ ਤੁਮ ਸਿਉ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਰ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨੀਰ ਬਾਲ ਹਾ ਬੇਲ ਬਾਲ ਹਾ ਕਰਹਲਾ ਜੋ ਕੁਰਤ ਨਿਸ਼ਨਾਦ ਬਾਲ ਹਾ ਤਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਰਾਮ ਮਈਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੂੜੋ ਰੂਪ ਰੂੜੋ ਅੱਤ ਰੰਗ ਰੂੜੋ ਮੇਰੂ ਰਾਮ ਮਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਮੋਹੇ ਲਾਗ ਪੀ ਤਾਲਾ ਬਿੱਲੀ ਬਛੜੇ ਬਿਨ ਗਾਏ ਅਕੇਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਿਨ ਮੀਨ ਤਲਫੈ ਸੇ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬਿਨ ਬਪਰੂ ਨਮ ਜੈਸੇ ਗਾਇਕ ਕਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਛੂਟਲਾ ਥਣ ਚੁੱਕ ਦਾ ਮੱਖ ਨੂੰ ਘੂਟਲਾ ਨਾਮ ਦਿਓ ਨਾਰਾਇਣ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਖ ਲਖਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਸਚਿਆਰ ਮੈਂਡਾ ਸਾਈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੋ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਥੀਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਦੇ ਸੋਈ ਹੋ ਪਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਚਾਓ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ ਦੇਈ ਸੇ ਤੇ ਉਤਾਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੀ ਹੈ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ ਉਸ ਅਪਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਭਾਖਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਈ ਚੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮ ਕੰਡ ਕਰੀ ਚੱਲ ਕਹਾ ਪਿਓ ਜੋ ਦੋ ਲੋਚਨ ਮੂੰਦ ਕੈ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ ਬਕ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਓ ਨਾਥ ਫਰਿਓ ਲਈ ਸਾਫ ਸਮੁੰਦਰਨ ਲੋਕ ਗਇਓ ਪਰ ਲੋਕ ਗਵਾਇਓ ਬਾਂਸ ਕੀਓ ਵਿਖਿਆਨ ਸੁ ਬੈਠ ਕੈ ਐਸੇ ਹੀ ਐਸੇ ਸੁ ਬੈਠ ਬਿਤਾਇਓ ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਬੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਭਾਓ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇਰੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
मैं देखांगा उन्हें क्यों, कोई मेरे दुश्मन का नाम ले मैं कहना मैं तो नाम ही नहीं सुनना चाहता, मैं देखांगा क्यों। हाँ रब नूं मैं तां देखना चाहता, उन्हें मैं प्यार करदा, उहदा नाम भी सुनदा, मैनूं खुशी मिल जाती है। सुन सुन नाम तुम्हारा प्रीतम भरा भिखण का चाहो। तो पिछे जे पढ़ के गई हां सत तां पर जानी है जां सत धरे प्यार, जो सच नाल प्यार होगा तो की होगा, ना सुन मन रहसीए है, उहदा ना सुन के मन च खुशी पैदा होगी क्योंकि उहदे नाल प्यार है। चित सिमरन करो नैन अविलोकनो, श्रवण बाणी सुजस पूर रखो, मन सो मधुकुर करो चरण हृदय करो, दसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै, साध संगत बिना भाव नहीं उपजे, भाव बिन भगत ना होए तेरी। कहणगे प्रेम तो बिना भगती नहीं पैदा हो सकती, इस करके भाओ भगत कर नीत सदाए। कहणगे प्रेम दे विच आ जाई, अस भगती नाल जुड़ जाई, अपने आप नूं निम्रता च नीवा कर लई। जे तू रब तक पहुंचना चाहना है भाओ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मोख अंतर पाए, हे नानक कह तां तू दिकारा वलों मुक्ति प्राप्त करेगा, सुख दुख मान अपमान वलों मुक्त हो जाएगा। नीच सदाए दा मैंने हों छड़ दई, अपने आप च निम्रता विच आ जाई, जिदन हों टुट जाती है करते नूं पछाण लैना उदन मुक्त हो जाना है। जिह प्राणी हो मैं तजी करता राम पछाण, कहो नानक वो मुक्त नर। यह मन सची मन वो मुक्त है, सानू मुक्ति लैण वास्ते मरना नहीं पैंदा, जिउंदे जी हों छड़ के रब नूं पछाण लैणा, एदू वड्डी मुक्ति कोई नहीं है। तो नानक मुख अंतर पाए, पौड़ी दे वचन कहन लगे मैं उस गुरु तो कुर्बान सतगुरु वटों वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, मैं सतगुरु तो कुर्बान जावा, जिन मिलिया मैं अपने रब पति नूं संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, जिन्हें उपदेश किया मेरी अखां विच ज्ञान का सुरमा पा दिता, ते की होया मैं जदों देखिया जगत नूं ते मैनूं जगत विचों रब दिसण लग पिया। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अधेर विनाश, जां कि गुरु अमरदास साहब दे बचन पढ़दे आ कह नानक इह नेत्र अंध ते सतगुरु मिले दिव दृष्ट होई। एहो जी दिव दृष्टि गुरु ने दे दित्ती कि इह नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी, हर बिनवर ना देखो कोई। जिवें बरीक आले दुआले अनेक सूखम कीटाणु तंतु साढ़े आले दुआले घूम रहे ने, असीं इन्हां अखां नाल देख नहीं पाते, सानू माइक्रोस्कोप सूखम दर्शी एक खास लेंस दे विचों देखना पैंदा है, सानू छोटे छोटे जीव नजर आ जाते हैं। हाँ जो गुरु फकीरी दे चश्मे लांदा है ना, उदो रब हर थां ते रविया दिस जांदा है। कर फकर दाए मलाए चश्मे जहां तहां मौजूद, गुरु ने ज्ञान का सुरमा पाया, ते जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, मैं अखां नाल जगत नूं देखिया, समझ पई ए जग सच्चे की है कोठड़ी, खसम छोट दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, जिहड़े पति नूं छड़ के दूजियां नाल जुड़ गए, अवतार बाद विच जुड़ गए, अनेकां होर थावां दे नाल जुड़ गए। वो कहन लगी वो व्यापारी आए ते सी व्यापार करन पर आत्मक जीवन डुबा के चले गए, खसम छोट दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोहिथा विरले कि विचारिया, किसी विरले ने इस गल की विचार की, गुरु वह जहाज सा बहुत है जिहड़ा ताप दिंदा है, कर कृपा पार उतारिया, जिन्हें कृपा करके पार उतारा कर दिता। अगला जिहड़ा श्लोक है भाव भगत कर नीच सदाए, नीच किवें सदाणा है, निमरता विच किवें आउणा है, अगों सिमर रुख दी हुण सतगुरु गल करनगे, बेंत होईआं भुल्लां खिमा करनियां, मिल के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।